ईश्वरप्पा, तेरा यह बयान घटिया किस्म का बयान है। अगर तुझे सिरदर्द हो रहा है, इसका मतलब यह है तो तू 101% शैतान के औलाद है। ईश्वरप्पा जैसे लोग हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को तोड़ने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान की तारीख नहीं मालूम, उसके दिमाग को, उसकी ज़बान को, उसकी अक्ल को कोई ताल्लुक नहीं है। मुंह खोलेगा तो गटर ही निकलेगा। उस तमाम लोग भाइयों की तरह रहे हैं। ऐसे नालायक लोगों को, शैतान की औलाद को जो है, अजान की किसी भी तकलीफ हो, हमारे हिंदू भाइयों को कोई इससे तकलीफ नहीं है। सेकुलर देह नकले वाले हमारे हिंदू भाई, दलित भाई और मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर, ये इस हिंदू मुस्लिम के इस भाईचारे को, इस मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए पहल करे। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय रायदान मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट, वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल फूड्स, अरेबियन, टर्किश, मिडिल ईस्ट, ग्रैंड इंटीरियर, जेन्युइन स्पाइसेस, हाइजीनिक किचन, एड्रेस टीपू सुल्तान चौक, रिंग रोड, गुलबर्ग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दो दिन पहले कर्नाटक के एक्स मिनिस्टर ईश्वरप्पा का एक बयान हिंदुस्तान के उस सेकुलर फैब्रिक को तोड़ने वाला बहुत ही घटिया किस्म का बयान उन्होंने दिया है। हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मज़हब रहते हैं, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, क्रिश्चियन भाई हो, सिख भाई हो, दलित भाई हो, बुद्धिस्ट हो, तमाम मज़हब के लोग यहाँ पर अपने अपने मज़हब को यहाँ पर इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करते हैं और अपने अपने त्योहारों को बड़ी खूबी से जो है मनाते हैं। आज के ईश्वरप्पा का ये बयान साबित करता है कि आज बीजेपी की ये सोच, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत फैलाने के लिए, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए किया जाने वाला बयान है। ये बयान, मैं समझता हूँ कि ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये बयान हिंदुस्तान की पहचान के ख़िलाफ़ है, हिंदुस्तान की तारीख के खिलाफ है। आज अगर कोई बयान देता है किसी मज़हब के ख़िलाफ़, अगर कोई मुसलमान ये कहता है कि उसे भजन से तकलीफ़ है, उसे मंदिर की घंटी की आवाज़ से अगर उसे, तो ये हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ है, हिंदुस्तान की तारीख के ख़िलाफ़ है। हिंदुस्तान की जो पहचान है, गुरुद्वारों से भी आवाज़ आएगी, मस्जिदों से भी आवाज़ आएगी, मंदिरों से भी आवाज़ आएगी, ये तमाम आवाज़ हिंदुस्तान की पहचान है, हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म की पहचान है, हिंदुस्तान की भाईचारे की पहचान है। और ये बयान जो उसने किया, ईश्वरप्पा ने दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है। मुसलसिल तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सदर, चाहे वो कटिल हो, उसका बयान, उसने कहा कि डेवलपमेंट की बात मत कीजिए, आपको लव जिहाद की बात करनी है। उसके बाद में एक बीजापुर के एक MLA का बयान कि यहाँ पर शिवाजी वर्सेस टीपू सुल्तान को लाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सावरकर और हज़रत टीपू सुल्तान को लाने की बात कर रहे हैं। ये मुसलसिल तौर पर कर्नाटक के अंदर वो महसूस कर रहे हैं और वो जानते हैं कि यहाँ की आवाम ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। और ये जो बयान उसने दिया है अजान के ताल्लुक से, मैं कहना चाहता हूँ कि ईश्वरप्पा को, ईश्वरप्पा तेरा यह बयान घटिया किस्म का बयान है और तूने कहा कि तुझे अजान की आवाज़ सुन के सर दर्द होता है, बेशक तुझ जैसे लोगों को सर दर्द होना ही चाहिए, क्योंकि ये अजान अगर शैतान सुन लेता है तो वो भाग जाता है, उसको तकलीफ़ होती है। और अगर तुझे तकलीफ़ हो रही है तो ये साफ तौर पे साबित है कि तू शैतान की औलाद है। तुझे तुझे तकलीफ़ होना ये जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तुझ जैसे और तुझ जैसे सोच रखने वाले लोगों को इसको सरदर्द होना ये लाजिम बात है। हिंदुस्तान के मोहब्बत करने वालों को, जिसके सीने में हिंदुस्तान के लिए मोहब्बत है, उनको अजान सुनने के बाद खुशी होती है, ताकत महसूस होती है, मंदिर की घंटियाँ सुनने के बाद ताकत मिलती है, खुशी मिलती है। मगर तुझे सिरदर्द हो रहा है, इसका मतलब यह है तो तू 101% शैतान के औलाद है। ये दो इश्यूज अलग अलग हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करता है तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई मुसलमान गुलबर्गा नहीं, कर्नाटका नहीं, दुनिया भर में जितने मुसलमान हैं, वो कोई मुसलमान उसको बर्दाश्त करने के मौकफ़ में नहीं रह सकता है। उसको अगर तकलीफ़ नहीं होती तो वो मुसलमान ही नहीं हो सकता। ये एक बात। ये जो कह रहा है बेवकूफ़,
कई बार मंत्री बन चुका है, कई बीजेपी का सदर बन चुका है बेवकूफ, अजान का मकसद वो नहीं जानता। अजान जो दी जाती है ये आवाज़ मुसलमानों को मस्जिद की तरफ आने के लिए पुकार, ये अल्लाह के तरफ से दी जाने वाली आवाज़ है। उसका ये सोचना कि अल्लाह बहरा है, अल्लाह बहरा नहीं है, अल्लाह पुकार रहा है बंदों को कि आओ मस्जिद की तरफ, आओ सलाह की तरफ, आओ नमाज की तरफ, आओ फलाओ बहबूदी की तरफ। ये उसको मालूम ही नहीं है कि अजान किस लिए दिया जाता है। अजान जो दी जाती है वो अल्लाह के लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए कि वक्त हो गया है नमाज का, आप आइए नमाज के लिए। उसको मकसद भी नहीं मालूम, हिंदुस्तान की तारीख नहीं मालूम, उसके दिमाग को, उसके ज़बान को, उसकी अक्ल को कोई ताल्लुक नहीं है। मुंह खोलेगा तो गटर ही निकलेगा उसकी, गटर की उसकी सोच बहुत ही घटिया किस्म की हो गई है। बहुत ही ज़बान को बेलगाम होकर के कोई भी अनाप शराप बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए कर रहा है। ईश्वरप्पा जैसे लोग हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को तोड़ने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। ये मुल्क, ये रियासत कर्नाटका हिंदू मुसलमानों के भाईचारे का गहरा है। हम तमाम लोग भाइयों की तरह रहे हैं। ऐसे नालायक लोगों को, शैतान की औलाद को जो है, अजान की किसी भी तकलीफ हो, हमारे हिंदू भाइयों को कोई इससे तकलीफ नहीं है। एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है उनकी। मुसलसल तौर पर आरएसएस की जो सोच है, ये मुसलमानों को हिंदुस्तान में सेकंड क्लास सिटीज़न साबित करने की कोशिश मुसलसल कर रहे हैं। उसी के तहत मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत, मुसलमानों के खिलाफ जहर उनके दिलों में, ये अब से नहीं है, जब से आरएसएस बनी है, जब से लेकर के अब तक के मुसलसल चौल पर, चाहे वो हेगड़ेवार की तारीख से शुरू करिए, गोलवालकर से लेकर के अब तक ये मुसलसल तौर पर, यह आरएसएस का आइडियोलॉजी को भारतीय जनता पार्टी लेके आए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी इक्तदार में रहने के बावजूद अवाम के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, किसी के लिए कोई कॉन्क्रीट प्रोग्राम नहीं है। महंगाई देख लीजिए, सर चढ़ के बोल रही है, अवाम तकलीफ़ में। ये तमाम इश्यूज़ को डाइल्यूट करने के लिए, लोगों का जहन भटकाने के लिए और अपने एजेंडे को प्रमोट करने के लिए हिंदू मुस्लिम का खेल खेल रहे हैं। आज टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हैं, बेशक एक साजिश के तहत ये हो रहा है, और मुसलसिल तौर पर हर इशू में उनको नाकामयाबी हो रही है। हर इशू में मुसलमान भी जवाब दे रहा है, सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज के कायदीन भी उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, हमारे हिंदू भाई भी उनका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, और इस किस्म की जो उनका प्रोपोगंडा है, इस तरफ की जो सोच है उनकी कि मुसलमानों को टारगेट की जाएगी, ये ख़त्म होने वाली नहीं है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा। जब तक हिंदुस्तान में आरएसएस है, जब तक भारतीय जनता पार्टी नागपुर के डायरेक्शन पे चलेगी, जब तक इसी किस्म की घटिया सोच को लेकर के मुसलमानों को टारगेट करने की कंटिन्यूस साजिश रहेगी। आज ज़रूरत इस बात की है कि सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाई, दलित भाई और मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स, ये इस हिंदू मुस्लिम के इस भाईचारे को, इस मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए पहल करें, और इन फासिस्ट ताकतों को जो हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों को सेकंड कैटेगरी सिटीजन्स को साबित करना चाह रहे हैं, मुसलमानों के दिलों में, जहनों में एहसास से कमतरी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका मुँह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। आज याद रखिए, ये एक कंटिन्यूस लड़ाई है, मुसलसिल तौर पर हमको इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, हमको हिंदू मुस्लिम मोहब्बत भाईचारे को कायम भी रखना है, और इस आरएसएस के इस प्रोपोगंडे के खिलाफ हमको मुंह तोड़ जवाब भी देना है।